वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज रघुकुल। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं फाइनली अपने गांव में पहुंच चुका हूं। तो आज से ब्लॉग मेरा कंटिन्यू होगा, दीदी की शादी है तो आज हम जा रहे हैं मामा के घर। वहां से कुछ सामान मंगाया था वही लेने। तो फाइनली गाइज अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, ये देखिए बस आप। तो गाइज यहाँ का रोड बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे कच्चा रोड अभी तैयार हो रहा है। रोड पहाड़ी इलाका है, यहाँ इस साइड मेरे गांव के साइड पहाड़ी इलाका है, पूरा देख सकते हैं कच्चा रोड है, पूरा टूटा हुआ है। अभी हाईवे बन रहा है ये, तब तक आगे भी आपको व्यू दिखाते हैं इसका। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, खतरनाक, देखने में बहुत अच्छा लगता है। पर तो गाइज देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ऐसा व्यू है हमारे यहाँ का। तो अभी मैं जा रहा हूँ मामू के घर, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। तो ये हमारे यहाँ का सबसे ख़तरनाक पुल है, इसको बोलते हैं गोवा नाला। यहाँ पे 12 महीने पानी रहता ही है, कभी खाली नहीं होता है। जैसे नदी होती है यहाँ पे, जो डिज़ाइन खराब हुआ करता तभी पानी नहीं है। और हमारे यहाँ पे छोटे मोटे घर होते हैं, कच्चे बच्चे जो भी होते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है रहने में। ऐसे मज़ा रहता है घूमने का, गांव घूमने का, छोटी मोटी दुकानों में सामान लेने का। और अच्छे अच्छे रोड है, अच्छा अच्छा व्यू है, दिखाते हैं लोग। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, तो अभी आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये आ गया अभी हम, जो इतनी फास्ट में मैंने किया था वो सीतापुर है, सीतापुर यहाँ का नाम था। तो इसके आगे बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो ठंडक नहीं रहती, मतलब नॉर्मल ही रहता है, पहाड़ी इलाका है। इतने बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है, प्लेन में ही रहते हैं, पहाड़ पत्थर ही पत्थर है पूरा। और अच्छा है, ज़्यादा मैंने खिड़की खोल के मैंने कवर नहीं किया क्योंकि अच्छा रोड है, धूल भी बहुत उड़ रही थी तो इसीलिए मैंने खिड़की बंद करके व्यू पूरा कलेक्ट किया है। ऐसे रोड कच्चे नच्चे, इसलिए मैंने खिड़की नहीं खोली थी, अंदर से व्यू इकट्ठा कर लिया। तो देखिए चलते आगे। तो फाइनली गाइज अभी मैं मऊगंज बस स्टैंड में पहुंच चुका हूँ, यहाँ से अभी हम उतरेंगे और पटेहरा, मतलब मामा का गांव का नाम है, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ का देख सकते हैं व्यू मऊगंज बस स्टैंड का, वहाँ पर सभी जगह बसेस लगी हैं। और गाइस चलते हैं बाहर बस स्टैंड के, वहाँ से हम ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे अपने घर की तरफ। तो गाइस ऑटो मिल गया फाइनली, तो हम बैठ भी चुके हैं उसमें, अब जा रहे हैं हम घर। तो यहाँ का छोटा मोटा व्यू, यहाँ पर मार्केट लगी होती है, यहाँ का छोटा मोटा व्यू कवर किया था मैंने, उसके बाद भी आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर भी ये एक समय पर डिस्ट्रिक्ट बनने वाला था, अभी कैंसिल हो गया। तो गाइस धूप भी लगी थी तो मैंने रास्ता ले लिया। तो फाइनली गाइस अभी हम घर में पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही दूर है, इसके बाद हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, घर में घर भी दिखाते हैं आपको।